आज हम देखने वाले हैं एक गोहॉक स्ट्रेटेजी का अटैक। इस अटैक में हमने जो ट्रूप्स यूज किया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। हमने 10 विजार्ड यूज किया है लेवल 5 का, 2 गोलेम यूज किया है लेवल 1 का, 20 हॉग राइडर यूज किया है लेवल 3 का, एक बारबेरियन किंग है लेवल 6, हीलिंग स्पेल है लेवल 5 का, एक पॉइजन स्पेल है। जो क्लैन कासल में हमें ट्रूप्स मिला है उसमें लेवल 5 का एक लून है और लेवल 1 का एक ड्रैग है, सॉरी लेवल 4 का एक ड्रैग है और एक हेस्ट स्पेल है लेवल 2 का। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लैन कासल में कोई ट्रूप्स है कि नहीं, तो इसके लिए हमने एक विजार्ड यूज किया है एकदम साइड पे, तो इससे वो चेक करेगा कि क्लैन कासल से कोई ट्रूप निकलता है या नहीं। उसके बाद हमने और 2 विजार्ड्स यूज किए हैं टू रीअश्योर दैट क्लैन कासल में कोई ट्रूप्स है या नहीं। अगर बाई चांस क्लैन कासल से कोई ट्रूप निकल जाता है तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। लेफ्ट साइड से एक गोलेम छोड़ दिया है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 विजार्ड छोड़ दिया है उसके पीछे। सिमिलर वे में हमने अपने लेफ्ट साइड में भी एक गोलेम छोड़ा है और उसके पीछे 3 विजार्ड छोड़ दिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो लेफ्ट और राइट साइड के डिफेंसेस है उनको गोलेम डिस्ट्रैक्ट कर पाए और साथ ही साथ विजार्ड उनको वाइप आउट कर सके। और उसके बाद हमने अपने फ्रंट डिफेंसेस को तोड़ने के लिए 10 हॉक्स डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि वो फ्रंट के जो डिफेंसेस है उनको ठीक तरह से तोड़ पाए। और हमने सिमिलर में फ्रंट लेफ्ट में भी जो बाकी हमारे पास 10 हॉक्स है उनको छोड़ दिया है ताकि वो जो लेफ्ट साइड के जो डिफेंसेस है उनको वाइप आउट कर सके। उसके बाद हमने एक हीलिंग स्पेल डिप्लॉय किया है ताकि वो हमारे जो हॉक्स है वो बेनिफिट हो सके, क्योंकि जो इधर किंग है, डिफेंस किंग है, हम देख रहे हैं कि वो टर्न ऑन हो चुका है और उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए हमने एक पॉइजन स्पेल यूज़ किया है ताकि वो जो डिफेंस किंग है वो थोड़ा स्लो अटैक दे। आई होप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो बॉटम लेफ्ट के डिफेंसेस है वो टोटली ऑफ है और मोर्टार को अभी विजार्ड ऑफ कर रहा है, तो इट वुड बी क्वाइट ईजी वेस फॉर अस, क्योंकि जो हॉक्स है वो अभी अभी फ्रंट लेफ्ट के जो डिफेंसेस है उनको ऑफ कर चुका है टोटली। हम अपने और एक हीलिंग स्पेल को इधर डिप्लॉय कर दिया है ताकि जो हमारे एक हॉक बचा है वो अच्छे से अटैक दे पाए। उसके बाद ही हमने एक स्पेल यूज़ किया है और एक स्पेल यूज़ किया है, ये है हमारा हेस्ट स्पेल, ताकि जो हमारे हॉक्स है वो थोड़ा स्पीड दे सके अपने अटैक में। और इसी तरह हमने साइड में क्लैन कसल में जो हमारे ट्रूप से उनको छोड़ दिया है और लेफ्ट साइड में हमने बारबेरियन किंग को डिप्लॉय किया है, उसके साथ ही एक विजार्ड को भी डिप्लॉय किया है। और इसी तरह हम देख सकते हैं दोस्तों पूरा जो बेस है वो वाइप आउट हो चुका है, पूरा डिफेंसेस, कोई भी डिफेंसेस अब नहीं बचा है और आई थिंक इट्स अ सिंपल अटैक। तो इसी तरह गो हॉक स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल हो सकता है इन सब बेसों के लिए। तो आई थिंक यू लाइक द वीडियो दोस्तों, और ये इसी तरह हम 3 स्टार ला सकते हैं कोई भी बेस में, तो इट्स अ सिंपल विक्ट्री फ्रेंड्स। गाइस अगर हमारे पास क्लैन कासल में कोई ट्रूप नहीं भी होता है तो भी हम इस बेस को जीत सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो हॉग है वही हमारे पूरे डिफेंस को वाइप आउट कर चुके थे और जो डिफेंसेस है जो क्लैन कासल के जो ट्रूप्स थे उनको हमने बाद में छोड़ा है, जब डिफेंसेस टोटली ऑफ कर दिए है हॉग ने जस्ट टू सेव द टाइम, इसीलिए हमने उनको छोड़ा है। तो हम क्लैन कासल ट्रूप्स के बिना भी इस बेस को तोड़ सकते थे।